और अब बात करेंगे हम बारिश और बाढ़ की। हिमाचल में आफत की बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। तेज बहाव में 9 ट्रक 10 कार और 2 बाइक बह गई हैं। खिलौनों की तरह, तिनके की तरह ये कारें और बाइक बहती हुई नजर आई हैं। हिमाचल में बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। 2 दिनों से झमाझम बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल के औट थाना इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कार बाइक बहती हुई नजर आ रही है। ट्रक भी बह गए हैं। खिलौनों की तरह ये सब कुछ तालाब में बहता हुआ नजर आ रहा है। कितना भयावह ये मंजर है। 9 ट्रक 10 कार 2 बाइक इस तालाब में बह गई हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हिमाचल के औट थाना क्षेत्र का मामला है। आफत की बारिश के बाद कोहराम मचा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। घरों में पानी घुसाया है। गाड़ियां बह रही हैं, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह मकान बिखर रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये बहती हुई कार बाइक आप देखें इन तस्वीरों के जरिए। ट्रक जो कि कितना भारी भरकम होता है, वो तिनके की तरह इस पानी में बह रहा है। इस पानी का बहाव कितना तेज होगा, कितना तेज वेग होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो देश के कई हिस्सों में लगातार बाढ़ बारिश के बाद हाहाकार मचा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर टूट रहा है। जुलाई में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलग अलग राज्यों में नदियां उफान पर हैं। आज भी 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, यानी अभी भी बारिश का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हिमाचल में भारी बारिश के बाद 14 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 9 लोगों की जान चली गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जहाँ NH3 और 10 स्टेट हाईवे बंद हो गया है, यानी लोगों के सामने जिंदगानी बचाने का भी संकट मंडरा रहा है। देश के कई राज्यों से बाढ़ बारिश की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। विष्णु जयपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और अक्षय गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले विष्णु, आपका रुख करते हुए जयपुर में कैसा हालात है और मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है, नुकसान की क्या खबरें? देखिए, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे और इसी तरह से बारिश हो सकती है। अब आप वो तस्वीर देखिए जिसके लिए लोग जो है रोड टैक्स देते हैं, यूडी टैक्स निगम को देते हैं, JDA को टैक्स देते हैं। ये तमाम वो टैक्सों की सुविधा हैं तो राजधानी जयपुर के लोगों को मिल रही है। लोग सड़क पर पैदल ही चल सकते हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो सड़क पर बह रहा है और सिस्टम सड़क पर इस तरह से बह रहा है कि डेड वुड सड़क पर पानी भरा हुआ है। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उनका जो नगर निगम है, वो इतना लाचार और मजबूर है कि उनके दुकान पर ग्राहक आ नहीं सकता क्योंकि सड़क पर पानी इस तरह से भरा हुआ है। लबालब सड़कें राजधानी जयपुर की हो रही हैं और लगातार जो बरसात है वो यहाँ पर आ रही है। कहीं ना कहीं देखिए भगवान लोगों पर तरस आया कि बारिश थोड़ी रुक गई है। अभी देर रात से लगातार बरसात हो रही थी लेकिन अभी कहीं ना कहीं रुक गई है और अगर इसी तरह से बरसात लगातार राजधानी में होती रही तो राजधानी में भी बाढ़ जैसे हालात होंगे। मेट्रो सिटी राजधानी जयपुर को कहा जाता है, स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है। आपके पास लौटेंगे विष्णु, जयराम ठाकुर इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। एक नॉर्मल कोर्स होता है, हम भी सरकार में रहे और उस सरकार में रहते हुए 3 चीजें हम हमेशा करते थे। मॉनसून के से पहले प्रेपरेशन करते थे, हाई लेवल एक मीटिंग होती थी और जिसमें सारे रेवेन्यू के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर SP और विभाग के अधिकारी रहते थे। और सर्दी के मौसम में जो जहाँ स्नोबाउंड एरिया है, बर्फ पड़ती है, उन इलाकों में बर्फ से कैसे हम लोगों के जीवन में प्रभावित होने से रोकें और जिंदगी को नुकसान ना हो, इस बात के लिए हम पहले ही कमेटी जो हमारी मीटिंग होती थी, हाई लेवल की जो मीटिंग होती थी, तो उसको बर्फ के मौसम से, यानी कि सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ने से पहले उसको करते थे और इसी तरह से गर्मी के मौसम में पानी का संकट न हो उसके लिए करते थे। ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि अब की बार थोड़ा कैजुअली लिया गया जिस कारण ये प्रेपरेशन की दृष्टि से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का सीजन साथ चला हुआ है और टूरिस्ट सीजन के साथ साथ में लोगों का आना जाना बहुत बड़ा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में होता है, तो लोग बहुत संकट में फंसे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ NDRF टीम की टीम का और धन्यवाद करता हूँ मैं केंद्रीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का और मैं धन्यवाद करता हूँ सारी
टीम जिसने बेहतर ढंग से लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया है, और मुझे इस बात की बात का संतोष है कि एनडीआरएफ की टीम ने बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश में 6 लोगों की जिंदगी पिछले कल शाम को जो बचाने में सफलता हासिल की, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो 30 लोग फंसे हुए थे मनाली में, उनका जीवन भी बचाने में उन्होंने सफलता हासिल की, जिसमें होमगार्ड के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने भी बहुत बेहतर ढंग से काम किया, और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज मेरी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी विस्तार से बात हुई, उनने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, चिंता व्यक्त की है हिमाचल की परिस्थिति के बारे में, और जो परिवार के सदस्य जिन लोगों ने खोए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। हम पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में जो रेस्क्यू में और ऐसे संकट के क्षण में जो मदद करने की कर सकते हैं, उसके लिए सभी पार्टी के सब साथियों को हमने आदेश दिए हैं। केंद्रीय सरकार में क्या आपकी बातचीत हुई है किसी से? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने एक अपील की है, जो अपोजिशन के लोग हैं वो साथ मिलकर चले और केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत करें। मैंने कहा कि मेरी बहुत विस्तार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई है, और बातचीत के बाद उन्होंने एक बात कही है कि अगर एनडीआरएफ की टीम को और ज़्यादा भेजने की आवश्यकता है और टीमों की ज़रूरत है वो भी करेंगे, और दूसरी बात उन्होंने कही कि मौसम थोड़ा सहयोग दे, थोड़े से अगर हमको विंडो मिल जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि पिछले कल मनाली में जो लोग फंसे थे वो बहुत बड़े संकट में थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स के चॉपर हम भेजें। तो हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने हिमाचल के हालात को लेकर जानकारी दी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कहा है। वहीं दिल्ली से मेरे सहयोगी अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, दिल्ली में क्या हालात है, क्योंकि आतिशी को हमने देखा वो पानी में जायजा लेती हुई नजर आ रही थी, अभी क्या स्थिति सुधर पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आप अभी हम यमुना के किनारे खड़े हैं, और अभी जो दिल्ली की पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं आतिशी यहाँ पर विजिट करके गई हैं, और उन्होंने यहाँ पर पूरा जो है बोट में बैठ के यमुना नदी का जायजा लिया है, क्योंकि कल दिल्ली सरकार ने इन्फॉर्मेशन देते हुए ये बोला था कि जो हरियाणा का जो हथनी कुंड बैरेज है वहाँ से 1 लाख क्यूसेक पानी यमुना के अंदर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का जो ओवरफ्लो है उसका खतरा बढ़ गया है, और अगर बारिश ऐसी लगातार होती रही तो बाढ़ जैसी सिचुएशन भी दिल्ली के अंदर बन सकती है। तो उन्होंने इसका पूरा जायजा लिया, और अगर हम आपको यहाँ पर बात बता दे कि जो 205 मीटर का एक मार्क होता है यमुना में, अगर वो पार होता है तो बाढ़ जैसी सिचुएशन दिल्ली के अंदर बन सकती है, अभी ये फिलहाल उनके पास है। और आतिशी ने जायजा लेते वक्त ये भी बताया कि जो डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, उन्होंने जो लोग यहाँ पर आसपास सेटलमेंट में रहते हैं उन्होंने इसका पूरा एक इवैक्यूएशन प्लान बना लिया, और अभी कुछ लोगों को सेटलमेंट से इवैक्यूएट भी कर लिया गया है, और यहाँ पर लगभग 37,000 लोग हैं जिनकी जान यमुना के किनारे जोखिम पर है, और उन्होंने ये बताया हमें कि उनके लिए एक जो पूरा इवैक्यूएशन प्लान है हमने बना लिया है, अब जायजा लेने के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी जिससे कि दिल्ली के लोगों को हम वो बता सके कि कैसे उनको सावधानी बरतनी है। फिलहाल अभी आईएमडी ने भी दिल्ली में यह बताते हुए कहा है कि आप घर से तभी बाहर निकलिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। बिल्कुल अक्षित, इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं लेकिन काफी चैलेंजिंग है क्योंकि 40 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षित, और साथ ही विष्णु आपका भी तमाम जानकारी के लिए।